फ्रेंड्स, दिस इज चांद जैन, वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो बना दूंगी। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क वाली किसी ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मेरी वीडियो के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसके अलावा डीपीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड किसी ने कोई वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मिल्क एंड लिक्विड फूड। कोलेस्ट्रॉल इज द फर्स्ट सेक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी। कोलेस्ट्रॉल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं फर्स्ट मिल्क भी कहा जाता है और लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है फर्स्ट सिक्रीशन होता है जब बेबी की बॉर्न होता है या बेबी डिलीवर होता है, तो कुछ दिन तक जो फर्स्ट सिक्रीशन होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इट इम्यूनाइजेस द चाइल्ड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इससे क्या होता है, बच्चे को ये बचाता है, इम्यून करता है बैक्टीरिया और वायरसेस से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यून मिल्क। इसको इम्यून मिल्क भी कहा जाता है। इन स्टार्टिंग बेबी रिसीव्स अ येलो वेरी रिच कोलेस्ट्रॉल। स्टार्टिंग में वही जब मदर जो है बच्चे को डिलीवर करती है, तो स्टार्टिंग में कुछ 3 से 5 दिन तक मदर जो है कोलेस्ट्रॉल देती है, तो बच्चे को कोलेस्ट्रॉल ही रिसीव होता है जो येलो से ऑरेंज कलर में होता है। एक और ये बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। उसके साथ साथ ये बेबी की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज येलो टू ऑरेंज इन कलर। इट इज थिक एंड स्टिकी। ये थोड़ा गाढ़ा होता है, फैट नहीं होता, लो इन फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। प्रोटीन इसमें होता है और एंटीबॉडीज ज्यादा होती है ताकि बच्चा हेल्दी रहे। अब हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस में इट इज इजी टू डाइजेस्ट। ये पचाने के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है और ये बच्चों को बचाता है वॉमिटिंग से। जो बच्चे ये वाला दूध पीते हैं तो उनको वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होती स्टार्टिंग में। इट हैज अ लैक्सेटिव इफेक्ट। लैक्सेटिव इफेक्ट क्या होता है, जो हेल्प करता है अर्ली स्टूल्स को पास करने में। क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको स्टूल पास करने होते हैं, मतलब बच्चे के स्टूल पास करवाए जाते हैं ताकि जो उसके अंदर बिलीरुबिन है उससे जॉन्डिस ना हो। बच्चे के अंदर बिलीरुबिन होता है, तो बिलीरुबिन जो है स्टूल्स के थ्रू पास होता है स्टार्टिंग में ही जब बच्चा पैदा होता है, ताकि बच्चे को जॉन्डिस ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बच्चा पी लेगा तो बच्चे के स्टूल जल्दी आ जाएंगे, जिसको बोला जाता है लैक्सेटिव इफेक्ट। अब मैं बात करूं, इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स। ये बच्चे को बहुत ज्यादा सेल्स प्रोवाइड करता है जो हेल्प करते हैं बेबी को हार्मफुल एजेंट से फाइट करने में। कंसंट्रेशन ऑफ इम्यून फैक्टर इज हायर। इस वाली मिल्क में यानी कोलेस्ट्रॉल में इम्यून फैक्टर जो है हायर होता है। इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It contains high concentration of leukocytes, protective white cells. Cholesterol में क्या होते हैं, leukocytes होते हैं, white cells होते हैं, जो disease causing bacteria को kill कर देते हैं, destroy कर देते हैं। साथ साथ it contains growth factors. इसके अंदर growth factors होते हैं और it encourages growth of good bacteria. ये good bacteria की growth को भी encourage करता है, यानी होने देता है। आप चाहें तो इसका एक बार screenshot ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।